हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज खेलेंगे हम GTA 5। तो यार आज मैं कुछ एक बिल्कुल ही अलग सा कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो यार आज मैं ये GTA 5 में एक स्टोरी बेस्ड बनाने वाला हूँ, मतलब एक कॉन्सेप्ट स्टोरी का बनाने वाला हूँ जो हम एक प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर मैं आपको एक कहानी एक्सप्लेन करूँगा और बहुत सारा हम लोग मिशन भी, बहुत अलग अलग टाइप का मिशन जैसे रॉबरी या और भी बहुत सारी चीज हम लोग, मतलब एक कैरेक्टर का रोल प्ले हम लोग अपने चैनल पे आपको रेगुलर एक एक एपिसोड या फिर एक एक दिन के गैप में एक एक एपिसोड डालेंगे। तो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने कैरेक्टर को आपसे। तो यार ये जो कैरेक्टर है इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो फैमिली थी GTA में वो बहुत ही अमीर हुआ करती थी, काफ़ी बड़ा इन लोगों का बिजनेस था। लेकिन यार मतलब जो गैंग है GTA में, बहुत सारी गैंग्स है GTA में और स्मगलर्स, ऐसे बहुत सारी स्मगलर गैंग है और ग्रीन गैंग है और ये सब जो गैंग है इनके बारे में मैं आगे चल के आपको स्टोरी में बताऊँगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी गैंग ने इनकी फैमिली का बिजनेस पूरा अपने हाथ में ले लिया, हथिया लिया और इसको, इनके फैमिली के मेम्बर को बहुत सारे लोग थे वो सब अभी लापता है भाई। इनको पता, इसको पता नहीं है प्लेयर को कि उन लोग कहाँ गए। हो सकता है कि जिंदा रहे, हो सकता है कि कोई भी ना रहे। अभी ये प्लेयर भाई बचपन, उसका मतलब बचपन में ही सब कुछ बर्बाद हो गया था और इसका कोई मतलब है नहीं। तो यार अभी हम क्या करने वाले, आपको बता दूं कि हम लोग को एक मेरा फ्रेंड है उसने कॉल किया है और हमको, मेरे को बुलाया है GTA में, मतलब सिटी में। अभी तक मैं सिटी में गया नहीं हूँ अभी तक। तो वो हम लोग को कॉल करके बुलाया है। अब वो क्यों बुलाया मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए गाइस पहले हम लोग अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो यार इसके पास कोई जॉब तो थी नहीं, बहुत दिन से वेला बैठा था तो इसके पास भाई कोई जॉब है नहीं। तो इसके एक तो बहुत ही आउट इलाके में रहता है और कोई यहाँ पे जॉब के लिए है नहीं, कुछ भी मतलब बिजनेस है नहीं यहाँ पे करने के लिए। तो भाई इसको यहाँ पे जो मैं लोकेशन अभी मार्क कर रहा हूँ इस पे जाना है। मेरे फ्रेंड ने मतलब ये लोकेशन पे बोला है मेरे को जाने के लिए। और यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास जो मतलब एक कार रेंटल और कार सेल का बिजनेस करता है और काफ़ी बड़ा बिजनेस है उसका। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई यहाँ पे चले जाओ, अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा तुमको और भाई कार वार भी मस्त मस्त अपने को मिल जाएगी चलाने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कार वार सुपर कार भी चलाने को मिल जाएगी तो चलते देखते, अगर जॉब अपने को अच्छी लगी तो भाई बिल्कुल करेंगे। और पैसे की भाई बहुत कमी है बंदे को, बिल्कुल एकदम फकीर हो चुका है समझ लो। तो चलो यार जाते हैं, मैप में काफ़ी दूर जाना है, कम से कम कुछ नहीं तो भाई 100 किलोमीटर तो रहेगा। और ये मेरी बाइक देख लो क्या फटपटिया बाइक है, इससे जाना है। चलो देखते हैं। कोई नहीं भाई, इतना कट मत मार, आराम से। नाइस यार, इतनी बेकार बाइक है लेकिन स्पीड अच्छी है इसकी, काफ़ी फास्ट चल रही है, सब गाड़ियों को पीछे छोड़ के जा रही है। सही है यार, बहुत दूर है, मैप चेक करना पड़ेगा, अगर रास्ता भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देख लेते हैं कहाँ पे जाना है। ओके, रास्ता तो नहीं भूलेंगे। अच्छा वहाँ से मैं आया, यहाँ पे मेरा पीछे घर था। और भाई ओ माय गॉड, मतलब एक एंड से स्टार्ट किए और दूसरे एंड में जाना है भाई, बहुत दूर है यार। गांव से देखो कितने बंदे जा रहे हैं भाई, बस में तो कोई भी नहीं है यार, सही में एक बंदा नहीं है बस में। सही है, लेस्टर का मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है, इन लोगों को इग्नोर करो अभी, ये कैरेक्टर समझ लो, इन लोगों को किसको जानता नहीं है। ओके भाई, अभी बहुत बड़ी जेल आने वाली है, थोड़ी आगे आएगी, मतलब GTA की जो सबसे बड़ी जेल है, एकदम खतरनाक खतरनाक गैंगस्टर और कैदी वहीं पे रहते हैं भाई। हो सकता है आगे 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 जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी, मतलब ये GTA में क्रिएट करूँगा मैं, मज़ा आएगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो जाते हैं भाई, बहुत दूर है यार, सही में बहुत दूर है, सही में
ओके हमें रेड वाली गाड़ी आई। ओ भाई कट नहीं, अगर बीच में से मैं निकलता ना तो भाई बस ढेर हो जाता, कट जाता बीच में से। बहुत सही। साइड में ये रही जेल भाई साहब, काफी बड़ा, देखो काफी बड़ी, इसके अंदर जो जाता है बाहर आना मुश्किल ही है भाई। ये कभी और दिखाएंगे पूरा जेल अच्छे से पूरा, अभी तो हम लोग जा रहे हैं भाई काम से, जॉब के लिए, जॉब फाइंड करने जा रहे हैं अपने लिए। इंटरेस्टिंग जॉब है, अगर मिल गई तो मज़ा आ जाएगा भाई, कार वार फ्री में चलाने मिल जाएगी, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं रहे भाई, वैसे भी कार चलाने में क्या मुश्किल रहेगा यार। रेंटल का बिजनेस रहेगा, देखते हैं क्या है, क्या बिजनेस है। रेंट पे देते हैं ऐसा उसने बोला है, रेंट पे देते हैं और बेचता भी है, मतलब भाई सुपर कार बेचता है और रेंट पे देता है, मतलब काफ़ी अच्छा दुकान रहेगा उसका, दुकान बोल रहा हूँ भाई, गैली क्या बोलते हैं यार उसको, शोरूम रहेगा दुकान भाई साहब दुकान, क्या सब्जी वब्जी बेचता है क्या दुकान। ओ भाई आ गए भाई, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग साइड में दिखने लगी, मतलब आ गए भाई। ये बाइक यार खाली दिखने में है ऐसी, भागती बड़ी तेज है, देखो कितनी गाड़ी को पीछे छोड़ दी, ये देखो पीछे जा। ओ भाई साहब अभी तो गेम ओवर था इसका, अभी तो मेरे को लगा टूट जाएगा लेकिन बच गया। अच्छा यहाँ से राइट लेना है भाई, अंदर ले ले, बिल्कुल सही, वन वे भाई, वन वे नहीं है टू वे है यहाँ से, पर रास्ता तो वन वे वाला ही था इतना छोटा। ओके आराम से भाई, ये देख रहा है कुछ ट्रैफिक वैफिक कुछ देख ही नहीं रहा भाई साहब, क्या है ये देख रहा है भाई, सिग्नल तोड़ते हुए, ओह माय गॉड आ गए। चलो यार यही है, अच्छा चलो साइड में लगाओ साइड में, अबे यहाँ पे नहीं, आगे थोड़ा सा आगे। वो व्हील चेयर वाले लोग के लिए भाई हैंडीकैप पार्किंग है। ओके यही शॉप है भाई, चलो उससे मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने उससे बात कर ली भाई, बहुत ही मतलब अभी आते ही टास्क दे दिया बंदे ने, ये यहाँ पे जो ब्लू मार्क दिख रहा है यहाँ पे जाना है, और उसने बोला कि यहाँ पे जाओ और वहाँ पे मेरी मतलब रेंट पे लिए थे गाड़ी और उन लोग रख लिए भाई, मतलब एक बंदे को भेजा इसने, उसने भाई वो बंदे को मार के भेज दिया, बोला जा भाग जा तेरे को गाड़ी नहीं देने वाले हम लोग। अब भाई उसने बोला है कि अगर तूने ये गाड़ी लेके आ गया यहाँ से जाके तो भाई तुमको जॉब पे रख लेंगे, अच्छी खासी सैलरी भी देंगे। तो भाई अब यही बनाओ कि हम लोग जाके लेके आ जाए यहाँ से। और भाई उसने बोला कि एक मतलब गैंग तो नहीं रहेगी, एक ही बंदा यहाँ से लेके गया था, लेकिन मेरे को लगता है कि भाई बहुत बड़ा अगर गैंग निकल गया तो भाई मेरे पास ना तो गन है ढंकी ना तो कुछ है। चलो देख लेते हैं, मार्क कर दिया मैंने, चलो गाइस चलते हैं अभी भाई। अगर बड़ी गैंग निकल गई तो हो गया काम अपना, और अगर छोटी गैंग है तो भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो लग रहा है भाई 101% भाई बड़ी गैंग रहेगी वहाँ पे पक्का, क्योंकि यार एक एक सोलो बंदे की औकात है क्या भाई, वो पूरे मतलब किसी गाड़ी को हायर करे और भाई वो देरी से भरा कर दे, और जो बंदा लेने गया तो उसके कान के नीचे धो दिया और बोला जा घर पे चले जा बेटा, नहीं देने वाली तेरी गाड़ी भाई साहब। मतलब ये सब चल रहा है आजकल GTA में, मैं तो बोल रहा हूँ अभी ये बंदा यहाँ बिल्कुल नया है ना, अभी इसको कोई पहचानता भी नहीं है GTA में, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई यहाँ से कर लूँ, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी देख के, और भाई पुलिस में भर्ती हो जाओ, अगर पुलिस में हो गया भाई वार्ड लगा दूँगा मैं, सिंगम बन जाऊँगा देखना मैं। ओके यहीं पे है बिल्कुल, ओ भाई दो जन यहाँ पे खड़े हुए, एक काम करता हूँ मैं आम बंदा बन के घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ कितने दो यहाँ पे भाई, दो यहाँ पे। ओके अरे ये ऑरेंज वाले अपने गाड़ी, वो भाई इन लोगों को शक हो रहा है, थोड़ा आगे चल भाई, देख रहे गाली वाली देना स्टार्ट। ओके ग्रीन वाले पे दो है, ओ भाई साहब अरे पूरा ये गांव ही, ये छोटा सा गांव है, गैंगस्टर गांव,
ओके 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 ये भाई सबके पास गन है, सबके पास हथियार है। ओके काफ़ी है, मेरे को लगा ही था भाई, मेरे को लगा था क्योंकि एक सोलो बंदे के औकात है क्या भाई किसी गाड़ी ले ले और रख ले। ओके इधर पार्क कर देते चुपचाप, क्योंकि यही अपने पास धन्नो है, अगर इसको कुछ हो गया तो फिर पैदल भागना पड़ेगा GTA में। और भाई दूसरे की अगर चोरी अभी स्टार्ट कर दूंगा तो भाई पुलिस वाले तो मेरे को धर लेंगे। ओके गन ले लो, अभी ये सब गन लॉक है और बाकी सब मैं चूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ एक गन लूँगा, जो गन लूँगा वही सेलेक्ट हो जाएगी, उसके अलावा दूसरी मैं चूज़ नहीं कर सकता, यही मेरा टास्क है। ओके ये हाथ में ले लिया मैंने पिस्टल, सप्रेसर वाली पिस्टल ले ली। ओके देख लेता हूँ भाई। ओके यहाँ स्टार्टिंग में दो लोग बैठे थे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नीचे उतर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से एंगल नहीं है, साइड से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे देख लिया, देख लिया हेडशॉट हेडशॉट, ओ भाई सही है दोनों को हेडशॉट मारा है। ओके भाई सामने रोड के दूसरे साइड से हाँ मारे इसको मारना, बहुत सही। अबे मरा नहीं है भाई वो, अबे तीन तीन आ गए, दो हेडशॉट हेडशॉट ओनली हेडशॉट मारो भाई। ओके सामने ओ चलो गया था, हेडशॉट पड़ी है उसको, चलो ठीक है थोड़ा सा आगे अपने को बढ़ना पड़ेगा। ओके यहाँ से गाड़ी लेके भाग सकते हैं, लेकिन अगर उन लोग गाड़ी में बॉम वॉम लगाए रहेंगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला था कि भाई बॉम वॉम भी वो लगा सकते हैं, क्योंकि उन लोग देखेंगे कि तुम गाड़ी लेके भाग रहे हो तो फिर वो रहता ना ये रिमोट वाला बम। ओके इसको भी मारा हेडशॉट, इसको भी मारा हेडशॉट, चलो सही है दो जन को दिया। अबे भाई अंदर जंगल के अंदर है भाई, चलो पार करके रोड पार करके पहले आ जाते हैं। मार 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 इसको, हेडशॉट मार रही है यार, क्या गंदा निशान है भाई, ये सब सीखना शूटिंग रेंज जाना पड़ेगा। ओके ठीक है भाई, ओके यहाँ से चिल्ला रहा है भाई, बहुत गाली दे रहा है, पहले इसका सर फोड़ते हैं हम लोग जाके। अबे अबे गिर गया, गिर गया, अबे इसके ऊपर चढ़ नहीं पाया क्या। ओके मार रहा भाई शॉटगन इसके पास, क्या मार 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 मार, ओ भाई पेट में दो गोलियां लग गई हैं भाई, अब तो मेरा हालत खराब होने वाली है। मार मार, अबे देख नहीं रहा, खाली चिल्ला रहा है भाई, आवाज जा रही है, ओ मार उसको हेडशॉट, ओ भाई लगा लगा सर से खून निकला उसके, अबे डैड डैड आगे बढ़। ओके अबे हो गया भाई जान, पूरा छल्ली कर दिया इसने। ओके यहाँ से भी कोई गाली दिया, भाई किधर है तू, हाँ निकल निकल बाहर निकल। ओके ऑरेंज वाली गाड़ी अपने राइट में है, अभी उसको देखने का टाइम नहीं है क्योंकि सामने से हेडशॉट पड़ जाएगा। ओ भाई वहाँ पे, अबे यार बॉडी शॉट मरता यार, हेडशॉट मार भाई, बॉडी शॉट से मरते नहीं है भाई पिस्टल से, क्या सीन है सब। ओके इधर लेफ्ट में से कोई चिल्ला रहा है, राइट में से भी चिल्ला रहा है भाई, ये क्या सीन है। ओके धोते धोते यहाँ पे तो पक्का है ये ऊपर, हाँ हेडशॉट बस बहुत सही, सीख रहा है बंदा, सीख रहा है सीख रहा है। अबे अबे कवर 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 कवर, हाँ ये हेडशॉट, हाँ सर फोड़ा इसका, वो वहाँ से आ रहा है जंगल से, आ रहे जंगल से पहाड़ी साइड, हाँ दे हेडशॉट बस बहुत सही, दो गोलियाँ सीने में और एक गोली पैर में लगी है मेरे को, चलो चलो आगे बढ़ दे, हाँ मार हेडशॉट बस बहुत सही, एक और है यहाँ ऊपर ऊपर साइड है, घूम के जाते पेड़ से। ओके ठीक है यहाँ से चिल्ला रही है, मार 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 इडियट इडियट बोल रही है इसको, ये कैन फोड़ फटेगा बहुत जोर का, फोड़ इसको हाँ। अबे यार लोग घर भी कैसा बनाया, देखो क्या कवर है इन लोगों के पास भाई, बहुत स्मार्ट लोग है भाई, इन लोग ट्रेनिंग बहुत डेंजर वाला ली है। ओके मेरे को पढ़ने वाली है, अबे कहाँ बे कहाँ से मार रहे, दिख क्यों नहीं रहा भाई, ओ माय गॉड, हाँ मार मार मार, अबे यार हेडशॉट मार भाई, तो बंदे को मेरे को लेके जाना पड़ेगा, इसको सिखाना पड़ेगा गोलियाँ कैसे चलाते, वो भी उसकी भी गलती नहीं है यार, फर्स्ट टाइम चला रहा है भाई। ओके ऊपर है भाई हेडशॉट पड़ी है, अबे राइट से मार रहा है भाई, हील करना पड़ेगा भाई, देख 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 इधर ही है किधर, जिंगा तो मादरे वदरे क्या बोल रहा है भाई, क्या लैंग्वेज बोल रहा भाई। ओके कहाँ पे भाई, पुलिस आ रही है क्या, ये सायरन किसका है, पुलिस है तो गड़बड़ हो जाएगी, अबे पुलिस तो कुछ मदद नहीं करती भाई, हम लोग अपना गेम करने आए तो फिर अभी तो आ रही है पुलिस। ओके मेरे को पड़ गए भाई, बहुत गोलियां लग गई हैं अब मेरे को, कहाँ पे है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, अभी तक सही जा रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अबे कहाँ से लग रही है भाई,
अबे दिख नहीं रहा बंदा। हाँ बड़ी बहुत सही, ब्लू गाड़ी के पीछे छुप रहा था, शाना बन रहा था मेरे सामने, शाना बन रहा। अबे हाँ इसके पीछे, अबे ये लकड़ी का है बना, मैं क्या बोलते इसको। ओ भाई पड़ गई, हिल कर भाई। अबे छुप जा पागल है, पिक क्यों कर रहा भाई, पीछे चलते पहले। हाँ छुप, यहाँ ऊपर, राइट में। अबे ऊपर, हाँ इधर कवर ले। हाँ भाई पहले इन्वेंटरी खोल अपना। हाँ भाई स्नैक्स, बॉडी आर्मर कुछ नहीं है, स्नैक्स। हाँ बहुत सही, बस भाई, खा लिया। ओके अपने पीछे कोई है, अपने पीछे पक्का ही बंदा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे भाई मेरे को हल्की साउंड आई है, पर 100% यहाँ पे भाई अलर्ट। वो भाई और भाई अभी ये दे देती, इन लोग क्लोज में बहुत डेंजर रहते, क्लोज में हेडशॉट ही मारते भाई इन लोग। ओ भाई इसके मुंह से खून निकल रहा है भाई, 15 गोलियां लगी है, 7 गोलियां पैर में लग गई मेरे को भाई, ये जिंदा कहाँ से। अबे मत, चलो फोड़ दिया तो अच्छा है, गाड़ी फोड़ दिया तूने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको फोड़ देते। ओके यहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, एक बंदा बहुत आगे है, आगे उसको ढूंढ के मारते पहले, वही चिल्ला रहा है बस। मैप में तो एक ही बंदा दिख रहा है, इधर कॉर्नर में देखो मैप दिख रहा है, उसमें एक रेड मार्क आ रहा है। ओके यहीं पे इडियट बोल रहा है, अभी इसको बताता हूँ किधर है, इधर ही छुपा है। अबे राइट, अबे यहाँ नीचे। अबे भाई अगर इसे शॉट बन रही तो मैं गया, मार हेडशॉट, बस ये टकलेगा सर फोड़ा। एक और है आगे है। अबे यार ये तो आते ही जा रहे भाई, कितने हैं, सो रहे थे क्या अभी तक, अचानक से जगह गए भाई देखे। ओ भाई कहाँ से मारा, अच्छा घास में छुपेगा, पबजी खेल क्या है, घास में छुपेगा, पबजी का कैंपर बनेगा। अभी बताता हूँ, एक और है यहाँ पे आगे साइड ही है, राइट साइड में छुपा है, पर मार इसको, मार बहुत सही भाई, खत्म। अभी कोई मैप में भी दिख नहीं रहा, अब मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, कोई रहेगा अभी तो। ओ भाई देख रहे मस्टैंग है भाई साहब, क्या है भाई, चलो भाई अपनी गाड़ी इतनी डेंजर वाली रख रहे थे भाई लोग, अभी पता चला कि उसको मार के क्यों भगाए बेचारा, अपना हक मांग रहा था, उसको कान के नीचे दिए और बोले चल दे भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला है। ओ भाई ग्रीन गैंग, इसकी बात मैं कर रहा था, डेंजर गैंग है भाई ये, यूटीए की मतलब टॉप 5 गैंग में इसका नाम आता है भाई। अगर इन लोग मेरे पीछे पड़ गए भाई, अभी तो एक सिंपल गाड़ी मैंने ली है तो ज़्यादा लोग नहीं पड़े मेरे को जहाँ तक लग रहा है, 2 गाड़ियाँ मतलब टोटल 4 आ गए। अबे भाई फेंक दिया भाई साहब, अबे क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर देगा गाड़ी भाई यार, ये क्या सीन है भाई, भाई अबे ये क्या सीन हो गया भाई साहब, एफ दब गया मेरे से। ओ भाई डेड, मार भाई तेरा निशाना दिखा भाई, अभी गाड़ी में घुस जाके फटाक से। अभी अगर सही में बोल रहा हूँ, अगर पीछे से कोई ग्रीन वाली गाड़ी आ गई तो मेरा गेम ओवर है भाई, मेरा ब्लड देखो इधर लेफ्ट साइड में एकदम बॉटम में देख लो भाई, तुम जरा सा भाई चारों तरफ मेरा पूरा कपड़ा खून से भर गया भाई। पहले हील करो, इन्वेंटरी स्नैक्स यूज़ कर भाई, कुछ भी यूज़ कर इसमें, बहुत सही। चलो यार अब निकलते भाई, अब मेरे को लगता है उन लोग पीछे नहीं आएंगे, पर कुछ भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि जब तक डीलरशिप हमने मतलब शॉप नहीं आ, शॉप बोल रहा यार क्या शॉप, क्या केले बेचता है उसमें, शॉप क्या बोलते हैं यार उसको, शोरूम गाड़ी का शोरूम होता है, शॉप नहीं होती है, कौन सिखाए भाई। चलो यहाँ से राइट लेफ्ट, यार लेफ्ट लेना सॉरी राइट बोल रहा हूँ, राइट एंड लेफ्ट में कन्फ्यूज रहता हूँ मैं। ओके चलो पहुँच गए, मतलब उन लोग बच गए भाई ग्रीन गैंग, अभी उन लोग मेरे को पहचानते नहीं है ना, इसके लिए उसको उन लोगों को पता नहीं कि हम मैं किसके लिए काम करता हूँ, हो सकता है उन लोग समझे कि हम लोग चोर हैं, और चोर के घर से चोरी और फिर होगी हेरा फेरी वाला सीन है। ओके ये टक लूँ अपना बॉस है, वेल डन, बस वेल डन, क्या यार ये क्या बात हुई भाई। चलो उन्होंने मेरे को इतना तो बोल दिया वेल डन, मतलब रख लिए जॉब पे भाई, हो गए भाई आज तो मैं लड्डू बांटने वाला हूँ, अपने को जॉब मिल गई मेन सिटी में भाई, एकदम मेन बीच में मिल रहा भाई जॉब, मतलब यार अभी अपना घर इतना दूर हो गया तो 300 किलोमीटर रोज बाइक चला के आना पड़ेगा भाई, आपको सोचना पड़ेगा।
तो थैंक यू वेरी मच गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और भी अगर ऐसी टाइप की वीडियो चाहते हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ बताना, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखना। और भाई कुछ भी सजेशन रहेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मेरी मतलब थोड़ा सा बोलने वोलने में थोड़ा तरीका मेरा थोड़ा इतना प्रोफेशनली नहीं है, तो उसको मैं सुधार लूँगा बिल्कुल आगे आने वाले एपिसोड में, और भी अच्छी स्टोरी और भी अच्छा कुछ आने वाला है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं।